करण कोठारी ज्वेलर्स की ओर से पहली बार भारतीय ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान अपने खरीदारों को एक नई खुशखबरी दी गई है। इस श्रृंखला में कंचन थोटे से बातचीत की है। विजेता कंचन ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए करण कोठारी ज्वेलर्स को धन्यवाद दिए। साथ ही इस दौरान वे बोली कि जब भी मुझे सोने चांदी की आभूषणी की खरीदारी करनी होती है तो मैं पुणे से नागपुर आकर करण कोठारी ज्वेलर्स से खरीदारी करती हूं। ऐसी प्रतिक्रिया विजेता कंचन इन्होंने व्यक्त की है। भारतीय ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो 22 नवंबर तक चल रहा है उसमें सभी खरीदारों को एक अद्भुत मौका दिया गया है। इस महोत्सव के दौरान बने सभी विजेताओं को 25 ग्राम सोने के सिक्के और 1 किलो सोने के बम्पर इनाम मिल रहे हैं। साथ ही अन्य मूल्यवान इनामों का भी हिस्सा बना जा सकता है। मैं कंचन हूँ, पुणे से आई हूँ। करण कोठारी ज्वेलर के वहाँ फर्स्ट विजेता विनर्स बनी हूँ। गोल्ड कॉइन, हाँ लकी ड्रॉ था शायद, तो उसमें मेरा कूपन सिलेक्ट हुआ और मुझे तो पता ही नहीं था, पर मैं विनर्स बन गई, फर्स्ट विनर्स। परचेसिंग नहीं, मैं कोई कारण से आती हूँ अपने काम के हिसाब से, पर मैं जब भी मुझे कुछ खरीदना रहता है तो इनके शोरूम में आती हूँ, करण कोठारी में। अब इनके हाथों तो मुझे शुरू से अच्छा लगता है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और जो भी चीज़ें मतलब डिज़ाइंस और क्वालिटी, इसमें मुझे बहुत कंफर्मेशन रहता है कि सही चीज़ है भाई, ट्रस्ट रहता है। और इनका स्टाफ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज 3 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सोचती हूँ कि अपना जो शॉपिंग का चीज़ तो छोड़ना नहीं है, और उसमें अगर लक खुलता है तो राधे राधे। यह सूचना हमारे नगर में खुशियों की लहर लेकर आई है। यह एक अद्भुत अवसर है जिसने लोगों को सोने के और भी करीब लाने में मदद की है। करण कोठारी ज्वेलर्स ने कंचन थोटे को उनकी उस अद्वितीय जीत के लिए और अन्य खरीदारों को भी बधाई दी है जिन्होंने इस महोत्सव का लाभ उठाया है, और इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाने की अपील उन्होंने की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।